लोग नजर आ रहे हैं और नाच गाकर इस खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस समय मौके की तस्वीर है, साथ में चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है, सुरेश गर्ग नोच है, परिवार के तमाम लोग जो है वो खुशी का इजहार फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बता दूं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बेटियों को बोझ समझते थे, क्योंकि लगातार 10वीं क्लास का हो 12वीं क्लास का हो लगातार बेटियां परचम लहराती हुई नजर आ रही हैं। और आज यूपीएससी के रिजल्ट में बेटियों ने, कैथल की बेटियों ने दोबारा से परचम लहराया है। तीन बेटियां कैथल के यूपीएससी रिजल्ट में कैथल की रही है, जिसमें कनिका गोयल जो है वो 9th रैंक प्राप्त किया है। और ये मेरा सेकंड रैंक सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने 10 साल से तैयारी कहूँगी मैं, मतलब सपना 10 साल का संजोया हुआ था और तैयारी मैंने अपने 3rd ईयर में शुरू कर दी थी, जो कि 2019 में, और ये 2023 है तो लगभग 4 साल। तो कैसे यूपीएससी का सपना पाला मन में कि एक आईएएस या आईपीएस बना है? सपना वैसे तो कहूँगी एक ओनली चाइल्ड का सपना था अपने मम्मा पापा को प्राउड फील कराने का कि हाँ मैं आप दोनों के लिए हूँ। और ये सपना मम्मा ने हमेशा विश्वास, पापा ने हमेशा विश्वास दिखा के कि हाँ बच्चा आप एकेडमिकली अच्छे हो तो आप आईएएस बन सकते हो। और तीसरा मैं कहूँगी कि आई वॉज गुड एट सोशल स्टडीज़, तो कहीं ना कहीं था कि कुछ करो आप ऐसा जिसका आपको ऑटोमेटिकली सा रिज़ल्ट मिल जाए। ऑटोमेटिकली तो नहीं मिलता बट आपको रिजल्ट मिलता है लोगों के चेहरे पे खुशी लाके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था दैट आई डिसाइडेड टू बी। यू आर अ सिंगल डॉटर, यस, तो ये खुशी दोगुनी हो जाती, क्या कहना है? कहना चाहूँगी कि शायद मैं कुछ और सिंगल डॉटर्स के लिए मिसाल बन पाऊँ कि आप भी हाँ कर सकते हैं और आप में भी हौसला है अपने मम्मा पापा के लिए। एंड नन ऑफ यू शुड बी बाउड डाउन, रादर स्टैंड अप, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू योर बेस्ट। हरियाणा में जैसे बेटियों को आज भी बोझ माना जाता है, उनके लिए क्या कहना? मैं ये कहूँगी कि पहले तो ये चीज़ बदल रही है, हरियाणा में अब बेटियों को बोझ नहीं माना जाता और हरियाणा काफ़ी आगे आ गया, हमारी सेक्स रेशो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम एफर्ट्स करे जा रहे हैं वैसे हम करते रहें और ग्राउंड लेवल पर सुधार ला के हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और लड़कियाँ खुद से उठेंगी, दुनिया जो समाज है वो उन्हें साथ में उठाएगा, तो ज़रूर हमारी हमारा जो हरियाणा है वो इक्वालिटी की ओर मूव कर जाएगा। मेरी बेटी करने के बाद मेरी बेटी ने चेंज कर दिया, क्या बोला है कि मैं ये सबसे पहले ये काम करूँगी? आई थिंक दैट विल डिपेंड ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड राइट नाउ एज वी आर इन अमृतकाल आई लाइक टू वर्क फॉर दैट। कोई ऐसा है कि लड़कियों के लिए कुछ अलग से जो भी मुझे कहा जाएगा, बट आई बी ऑलवेज स्पेसिफिकली मोटिवेटेड टू डू माई बेस्ट फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड एज द गवर्नमेंट पुट्स इट फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्पेशली। 9 रैंक आया। कितने उससे अटेम्प्ट किया था? सेकंड अटेम्प्ट। कितने साल से, किस फील्ड उसमें था, वो स्ट्रीम क्या था? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से था। तो कितने साल से तैयारी की थी? सेकंड अटेम्प्ट में तो कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है, परमात्मा ने सुनी है। क्या मतलब, क्या हॉबीज क्या थी वैसे कनिका की, अगर आपको? हॉबी बस यही, मतलब डायरी लिखना, पढ़ाई में ध्यान रखना अपना, अपने काम को प्रायोरिटी के आधार पे करना, जो जिम्मेवारी मिली उसको अपने जिम्मेवारी के तरीके से निभाना। मतलब कभी इसने दोबारा मौका नहीं दिया कहने का किसी बात को, एक बारी जो काम कह दिया तो वो करके दिया इसने। तो तैयारी कहाँ से की है? तैयारी इसने ऑनलाइन कोचिंग लेके करी है। कितने साल जी? कितने साल क्या जी? कितने साल ऑनलाइन कोचिंग लिया? बस 2 ही साल करी है इसने पढ़ाई, 2 साल कोचिंग। क्या लगती है? अच्छा, बेटी का 9 रैंक आया, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी। तो बधाई देने वाले आ रहे हैं? बहुत आ रहे हैं जी, सब फोन फोन की तो पूरी वो लगी हुई है। तो माँ का बेटी के ऊपर काम का प्रेशर था क्या, अपने डाला या खाली पढ़ाई? नहीं, मैंने कभी प्रेशर डाला, मैंने कभी स्टडी के लिए नहीं किया, अपने आप खुद करती थी। तो घर में मैंने कभी ट्यूशन भी नहीं रखी।
घर में भी आपका सहयोग करती थी? हाँ जी, नहीं घर में मैं तरकती नहीं थी, ये कर लेती थी, अपने आप करती थी। मैंने नहीं, मैंने तो इसका सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। घर में भी मेरी इच्छा थी भाई ये कुछ बने, बस ये पढ़े। हर चीज कर लेती है ये, घर का कोई भी चीज बनानी हो बढ़िया बनाती है। ये नहीं है भाई नहीं करना आता इसको, सब कुकिंग का अपने आप। मैंने करने नहीं दिया क्योंकि मैं ये कराऊंगी तो पढ़ाई, मैंने पढ़ाई इसके छोड़ दिया। तो कितने भाई बहन हैं? अकेले। अकेली सिंगल डॉटर। हां सिंगल। तो मेरी शुरू से रही कि मैं इसको कुछ बनाऊं। तो सिंगल डॉटर थी, कभी आपने नहीं सोचा कि बेटा भी दिया जाए? नहीं, यही मेरी बेटी, यही मेरा बेटा, पढ़ के सब कुछ यही कर सकते हैं। जो क्या आपका बेटा तो करे भी ना, बेटियां महान होती है।